मेखरगंज के चिंतेश्वर मंदिर के पास कुरियर कंपनी के कर्मचारी का पीछा कर तीन आरोपी चाकू की नोक पर 21 लाख रुपए लूटकर भागे। यह वारदात शनिवार को दिन दहाड़ी दोपहर 3:45 के दरमियान हुई। इस मामले में पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, वही दो अभी भी फरार है। गुजरात के व्यवसायी कमलेश शाह का भूतड़ा चेंबर में कुरियर कंपनी का ऑफिस है। कंपनी के प्रबंधक रोहित पटेल के पास दोपहर 3:30 रमन भाई पटेल और पीयूष पटेल रकम लेने आए थे। दोनों ने मैनेजर रोहित से 21 लाख रुपए की रकम ली और डिक्की में रकम रखकर दोनों दुपहिया वाहन से छापरू नगर चौक की ओर गए। चिंतेश्वर मंदिर के पास दुपहिया वाहन पर आए तीन आरोपियों ने रमन भाई और पीयूष को रोका और चाकू दिखाकर दोनों को जान से मारने की धमकी दी। फिर आरोपी डिक्की से रकम लेकर भाग गए। यह वारदात क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई है। इसकी सूचना मिलने पर लकड़गंज पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। खबर मिलते ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, परिमंडल 3 के डीसीपी लोहित मतानी, अपराध शाखा के डीसीपी गजानन राजमाने सहित यूनिट 3 की टीम भी घटना स्थल पहुंच गई। आरोपियों की खोज के लिए घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए गए, जिसके चलते पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त सचिन थोर बोले ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 25/9/2021 रोजी दुपारी 3:30 दरम्यान लकड़गंज पोलीस स्टेशन हद्दीतील इतवारीतील कुरिअरचं मॅनेजर आहे, ते त्यांच्या गाडीच्या ॲक्टिवा गाडीच्या डिक्कीमध्ये पैसे घेऊन घरी ठेवण्यासाठी जात असताना वैष्णवी फॅब्रिकेशन येथे अनोळखी 3 इसम आले। त्यांनी चाकूचा धाक दाखवून गाडीच्या डिक्कीमध्ये ठेवलेले पैसे तसेच गाडी जबरदस्तीने पळवून नेली। अशाचा काल फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झालेला आहे लकड़गंज पोलीस स्टेशनमध्ये। यातील तीन आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत, त्यातील एक आरोपीला आज आम्ही अटक केलेली आहे। याबाबत अजून तपास चालू आहे। एका आरोपीला अटक केलेली आहे, अजून दोन आरोपी अटक करणे बाकी आहे। अजून तपास चालू असल्यामुळे यावत अजून तपास झाल्यानंतर त्यांना अटक केल्यानंतर सांगू। इस वारदात को भी टीप पर अंजाम दिए जाने का अनुमान है। यह रकम हवाला की होने की चर्चा भी जोरों पर है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।